फर्नीचर हॉल बट आई ट्राई टू पिक द बेस्ट इंडो वेस्टर्न क्लोथ्स दैट आई कुड फाइंड क्योंकि समर में ऐसे खुले खुले लूज कॉटन कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है एंड इट्स अ नाइस वे टू इंटीग्रेट एथनिक वेयर इनटू इट लेट्स बिगिन सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस स्कार्फ सेट बहुत सुंदर लगा मुझे बिकॉज वो आउटफिट्स जो फुल लेंथ वाले होते हैं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं टू फाइंड एंड ये मुझे मिला 385 रुपीज का एंड आई थॉट इट्स अ स्टील फॉर अ कोऑर्ड सेट बट हमने ऑर्डर किया था ब्लैक जो फोटो में दिख रहा है और हमें मिला है रेड कलर एक्चुअली बहुत सुंदर है तो आई डिडंट इवन नोटिस अंटिल आई सॉ मेरा ऑर्डर हिस्ट्री टू टेल यू द प्राइसेस लेकिन पूरा ही अलग कलर दे दिया यार इसकी टॉप की फिटिंग बहुत अच्छी है क्योंकि इलास्टिकेटेड टॉप है अंदर स्कार्फ की जो टिप है थोड़ी लंबी है आई नो लेकिन फिर भी बहुत क्यूट लग रहा है पैंट ना बहुत ज़्यादा टाइट है मेरे थाइस काफ़ी हैवी है पैर शेप बॉडी है मेरी सो अगर आपकी बॉडी टाइप मेरे जैसी है एंड नॉर्मली आई वेयर 28 या 30 साइज की जीन्स वो मुझे आ जाती है तो अगर आपकी साइज मेरे जैसी है लार्ज तो बिल्कुल फिट नहीं आएगा बैठते से वो पैंट फटने वाली है तो और बड़ी साइज मंगवाना बट आई स्टिल थिंक 385 रुपीज के लिए ये अच्छा है सेकेंड प्रोडक्ट है ये सुंदर ब्लू लहरिया कुर्ती ऐसे स्लीवलेस कुर्तीज मुझे समर में अच्छे लगते हैं बिकॉज अंडर आर्म्स बहुत ज्यादा स्वेटी हो जाता है स्पेशली अगर आप मुंबई में रहते हो तो सो स्लीवलेस में ऐसा खुला खुला अच्छा अच्छा सा लगता है एंड ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लस लहरिया प्रिंट इज वेरी आई मीन आई एम अ गुज्जू तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ उससे एंड ये कुर्ती 206 रुपीज़ के लिए सुपर वर्थ इट है बिकॉज इसकी फिटिंग इज सो गुड एक इंच भी ऊपर नीचे नहीं आया मुझे सो इट्स लाइक वेरी परफेक्ट इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है सॉफ्ट है एंड गर्मियों में एक्चुअली अच्छा लगेगा और ठंडा ठंडा लगेगा उसको पहन के सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बाइज एंड फुल पैसा वसूल इसमें मैंने मीडियम साइज ली थी नॉर्मली मुझे मीडियम बराबर आता है सो दिस इज बैंग ऑन परफेक्ट थर्ड आइटम है ये सुंदर बोहो ड्रेस मेरा गोवा ट्रिप का मैनिफेस्टेशन ऑलमोस्ट सच होने वाला है सो यस उसके लिए मैं अभी से आउटफिट जमा कर रही हूँ यू वोंट बिलीव मैंने मेरी एक लोकल स्टोर से ऐसा सेम ड्रेस खाली अलग कलर में 1000 रुपये का लेते हो मुझे 1200 कोट करी थी तो मीशो यू विन इन प्राइस आप जैसे होलसेलर्स को कस्टमर से कनेक्ट करें ना दैट इज फैबुलस ये 385 का था मैंने एक्सेल लिया था क्योंकि मेरे पास जो ड्रेस था वो तो डबल एक्सेल था फिर भी चेस्ट में से काफ़ी टाइट था सो नॉर्मली लाइक मीडियम साइज है 34 to 36 चेस्ट साइज अगर है प्लीज बाय अ बिग साइज इन दिस दैट इज दट इज हॉल्स आर वेरी हेल्पफुल आपकी सेम बॉडी टाइप की बिकॉज यू विल नो कौन से आउटफिट में आपको कौन सी साइज लेनी चाहिए जो ऑनलाइन देख के नहीं समझ आता इसका लुक ऐसा बहुत अच्छा है हर बॉर्डर पे पॉम पॉम की लेस है बीच में थोड़ा सा सीक्वन वर्क भी है एंड इट इज ब्यूटिफुल अगर आपको ड्रेस के तौर पर नहीं कंफर्टेबल लग रहा है यू कैन ईजिली वे जीन्स विथ इट एंड मेक इट अ वेरी नाइस बोहो आउटफिट आई रियली लाइक दिस ये मेरे टॉप 3 में आएगा एंड दिस वॉज वर्थ द मनी ऑल्सो फोर्थ आउटफिट है जंप सूट आई नो बहुत रेड रेड हो गया लेकिन मैंने उस स्कार्फ टॉप रेड मिनी ऑर्डर किया था ठीक है वो लग पाया चांस हो गया था सो ये जंप सूट एकदम ग्लोबल देसी ब्रांड का वाइब्स दे रहा था बिकॉज दे यूजली डू स्टफ लाइक दिस एंड इसमें मैंने कर दी गलती था तो ये 353 रुपीज का बट साइज आई डोंट नो व्हाई मैंने मीडियम साइज क्यों ली क्योंकि ये मुझे बिल्कुल बराबर फिट नहीं आया फ्रॉम द क्रॉच एरिया इट वॉज वेरी टाइट ऊपर चढ़ ही नहीं रहा था एंड स्टमक एरिया में इतना सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक और जंप सूट में वो नहीं चलता है बिकॉज यू नो सपोज टू वेयर इट एकदम टाइट एम टाइट सो ये अनफॉर्चुनेटली एक फेल था क्योंकि पूरा इसका फैब्रिक उल्टा पुल्टा हो रखा है बट इफ़ यू आर माई साइज ऑर्डर लाइक अ लार्ज और एन एक्सेल एंड दिस शुड लुक गुड ये भी एक बहुत ही अच्छा बोहो आउटफिट है स्पेशली डेनिम जैकेट एंड बोहो फ्लैट्स के साथ मस्त लगे एकदम 10/10 आउटफिट लगेगा फिफ्थ आउटफिट है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर टाई एंड डाई ड्रेस मेरे टाई एंड डाई के साथ अलग ही रिश्ता लाइक आई लव दैट प्रिंट सो मच बट लुक एट द स्पेलिंग इट्स एज TAIDAI टाई डाई लाइक वेरी लिटरल प्रोनाउंसिएशन हैज बीन यूज्ड इसकी फिट इज ग्रेट स्पेशली क्योंकि इसका जो नेक है वो एडजस्टेबल है ये ड्रेस था 395 रुपीज का एंड फॉर अ बीची आउटफिट ग्रेट प्राइस क्योंकि ए इसकी नेकलाइन एडजस्टेबल है हाउएवर यू वांट टू वेयर इट थोड़ा इसको खींच सकते हो अंदर एंड मेक इट अ हॉल्टर और यू कैन हैव इट वाइड अपार्ट एंड इसका घेरा इतना ज्यादा सुंदर है लाइक देयर इज सो मच फैब्रिक फॉर दिस प्राइस लवली खाली इसमें एक चीज मिसिंग है जो है कमर की फिटिंग बहुत ही लूज ला थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है मुझे सो आई वुड प्रिफर अगर वो एक छोटा सा यही मटेरियल का बेल्ट दे रहे थे जो हम बांध सकते पर इसमें मैं खुद का बेल्ट जरूर लगाऊंगी एंड
आई थिंक हमें ये गोवा लेके जाना चाहिए. ये मीडियम साइज में ऑर्डर किया था बट ये इतना फ्री साइज है ना कि आई थिंक थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा इसमें. सिक्स्थ आइटम है ये लखनवी कुर्ती. इसका कलर इलेक्ट्रिक ब्लू है, सिमिलर टू कोबाल्ट ब्लू जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कलर है इस सीजन. इनर के साथ आई है बाय द वे. एंड जो ट्रांसपेरेंट वाली लखनवी कुर्ती है वो मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि अंदर हम कुछ भी पहन के लुक चेंज कर सकते हैं. जैसे इनर के साथ एक लुक हो गया, फिर एक छोटे क्रॉप टॉप के साथ अलग लुक हो गया, एंड शॉर्ट्स के साथ भी ज्यादा अच्छी लगती है एंड डेनिम्स के साथ भी. सो आई लव्ड दिस. इसका काम भी अच्छा है, खाली स्टिकर उखाड़ते वक्त मेरी एम्ब्रॉयडरी थोड़ी निकल गई थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो कंप्लेंट्स. साइज भी एकदम परफेक्ट थी एंड आई थिंक मीशो पे लखनवी कुर्तीज बहुत अच्छी मिलती है. सेवेंथ आउटफिट इज दिस शॉर्ट्स एंड क्रॉप टॉप सेट. आई नो हर एक आउटफिट एक दूसरे से अलग रखना था एंड दैट इज वाई बहुत ही मुश्किल से ढूंढा. 400 rupees का MRP लिखा है लेकिन मेक श्योर टू चूज द रिटर्न ऑप्शन. उससे ही मुझे काफी सस्ते में मिला था कम्पेयर टू 400 कि यू विल ओनली रिटर्न अगर आपको गलत प्रोडक्ट आ गया. सो इफ यू आर श्योर अबाउट यू वॉन्ट टू कीप इट. एंड मैंने इसमें डबल XL साइज ली बिकॉज एज आई सेड मेरे थाइस काफी लाइक दे आर द बिगेस्ट बॉडी पार्ट ऑफ माइन. तो मुझे वो शॉर्ट्स कंफर्टेबल नहीं लगती जो एकदम पैर को चिपके, मुझे आई नीड टू ब्रीद. इसलिए मैंने डबल XL ऑर्डर किया कि बहुत कम्फी रहे. सेकेंडली पजामा सेट वाइब दे रहा था तो रात को तो लूज कपड़े पहनने में मजा आता है एंड इसकी फिट एकदम ही परफेक्ट आई, बहुत ही अच्छा है. बाहर पहनने के लिए इसको स्टाइल करना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन एज अ पजामा सेट इट्स वेरी वेरी प्रिटी एंड फॉर द प्राइस आई हैव नो कम्प्लेन्स. अब ना मैं नंबरिंग भूल गई हूँ. सो एथ या नाइन्थ आउटफिट इज दिस एकत कुर्ती और ड्रेस. इनके डिस्क्रिप्शन में भी कुर्ती लिखा है बट मॉडल ने भी एज अ ड्रेस ही पहना है तो मैंने भी सोचा था कि एज अ वन पीस पहनूंगी. ये था 321 rupees का. ऑनेस्टली आई थिंक दिस इज मोर लाइक अ मेटर्निटी ड्रेस जैसा फिटिंग क्योंकि ये पेट से बहुत ही ज्यादा लूज है एंड अपर बॉडी से काफी वेल फिटेड है. सो आई थिंक इफ यू हैव एनी मॉम्स टू बी अराउंड यू यू कैन गेट दिस आउटफिट फॉर देम. इसलिए मुझे फिटिंग इतनी पसंद है क्योंकि मुझे तो कमर से वेस्ट स्नैच चाहिए होती है. अगर आपको इकत पसंद है, जिससे मेरी मम्मी को इकत बहुत पसंद है, देन यू विल लाइक इट. एंड कलर भी बहुत ही प्यारा सूदिंग सा है, आंखों को देख के ठंडक लगेगी वैसा कलर है. एंड मेन इसके जो स्ट्रिंग्स है ना जो वेस्ट पे आने चाहिए वो एक्चुअली चेस्ट के इधर है. इसकी मेकिंग भी थोड़ी ओके सी है तो ये नहीं लेंगे तो भी चलेगा बट अगर बहुत पसंद है तो ले भी सकते हो, इतना खराब भी नहीं. लास्ट आइटम है ये शॉर्ट कुर्ती जो मैंने पहनी है. दिस इज फॉर ₹274 ओनली. कॉलेज वेयर के लिए, ऑफिस वेयर के लिए इट इज रियली परफेक्ट. ये मैंने लार्ज साइज में ली एंड इससे परफेक्ट फिटिंग आई थिंक किसी की नहीं है इन दिस एंटायर वीडियो. नेकलाइन भी बहुत प्यारी है, स्लीव्स पे भी बहुत ही मस्त ग्रीन बॉर्डर है. सो दिस कुर्ती इज सुपर पैसा वसूल. मटीरियल काफी कंफर्टेबल है. आई हैवंट वॉश्ड दिस सेट बट स्टिल आई एम फीलिंग वेरी ब्रीदेबल, वेरी नाइस. एक ही कंप्लेन है कि इसका जो साइड का कट है ना वो इतना छोटा है कि वो इट्स नॉट गोइंग ओवर माई बम. तो मैं इसको खुद ही काट के या मे बी आई जस्ट टेक इट टू माई टेलर एंड अंदर से सिंच इन करवा लूंगी एंड दैट वे विल फिट मी परफेक्ट. बट या दैट वाज द लास्ट आइटम अंडर 399. बट या दैट वाज द लास्ट आइटम अंडर 399. एक चीज हर वीडियो में मैं एक आधी चीज तो ढूंढ ही लेती हूँ जो आउट ऑफ बजट होती है. इस वीडियो की वो आइटम है ये सेट जिसमें एक साइड से वो स्लीवलेस है एंड एक साइड से इसकी स्लीव है. मटेरियल में थोड़ा सा फॉइल वर्क भी है, बहुत ही सुंदर अनियन पिंक कलर है इसका. ये 474 का है सो फॉर द प्राइस द डिजाइन इज वेरी नाइस. बट इसमें भी साइज लार्ज होने के बावजूद मैं इसमें नहीं बैठ पाऊंगी. सो ऑल माई पेयर शेप बडीज प्लीज XL डबल XL लेना क्योंकि थाइस नहीं फिट आ रही. बट इसका जो कुर्ते का टॉप है बहुत मस्त है, जीन्स के साथ भी अच्छा लगेगा एंड इट्स क्वाइट यूनिक. तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है इसलिए मैंने लिया एंड आई क्वाइट लाइक इट. मैं इसको भी थम्स अप ही दूंगी बिकॉज फॉर 474 rupees मटीरियल डिजाइन एवरीथिंग इज टॉप नॉच. बट आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आया एंड इफ यू डिड डू गिव इट थम्स अप एंड कॉमेंट ऑन बिलो इफ यू वॉन्ट अ पार्ट टू. और क्या हॉल चाहिए बजट फाइंड यू टेल मी. आई एम थिंकिंग आई शुड डू लाइक अ सनग्लासेस वीडियो. सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस. इफ यू डिड नॉट एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो विद नास गिव अ थम्स अप. आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन गुड बाय.